हेलो दोस्तों, और जैसा कि पीछे हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे और हम मैसूर से निकले हैं ऊटी के लिए, और रास्ते में सुंदर जंगल हमको मिला और जिसका कुछ व्यू आपको हम दिखाना चाहेंगे। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही सुंदर। ये देख रहे होंगे, ये कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है जो कि जंगल को कनेक्ट करता है दोनों ही रास्ता। और यहाँ व्यू चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर हमें देखने को हिरन मिले, मोर मिले, और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी कि शायद मिले देखने को, पर ऐसा नहीं हुआ हमें। लेकिन मोर और हिरन तो बहुत सारे मिले, बंदर भी बहुत मिले देखने। और मेन तो नेचर ये है व्यू का, व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत। कितने सारे प्यारे प्यारे मोर दिखे हमको, मोर तो बहुत ही ज़्यादा। और आप जिस तरह देख रहे होंगे पहाड़ी व्यू, मतलब ये आपको बता नहीं सकते कि ये सामने से देखने में कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा। और ये हमारा यहाँ पे जंगल ख़त्म होता है और हम तमिलनाडु में एंटर कर गए, और यहाँ का भी व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और हम ऊटी पहुँचने ही वाले हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कितने खूबसूरत पेड़ हैं, कितने खूबसूरत। और हम उतर कर यहाँ पर कुछ वीडियोस, कुछ फोटो लेना चाहेंगे, और बहुत ही औसम लग रहा है। यहाँ आएंगे तो देखेंगे पेड़ का व्यू और चीज़ें कितना प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है। एक अलग सा ही एहसास होता है यहाँ पर। और हम यहाँ से अब आगे चल रहे हैं क्योंकि हमें होटल पहुँचने में रात हो जाएगी। और फाइनली हम ऊटी आ गए हैं,
और हमने रूम पहले ही बुक किया था और रूम ले लिया है। रूम का ये हमारा रूम है, रूम अच्छा मिला है। ये है ओके बाथरूम, इधर लाइट क्लियर है बाथरूम का। यस ये है बाथरूम, अपना बेसिन, रूम अच्छा है, काफी स्पेस है। ऊटी जैसी जगह में काफी स्पेस है रूम में। यहाँ दो बेड है और काफी रीजनेबल प्राइस में हमको मिले हैं, काफी रीजनेबल। ये देख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। और जैसा कि देख रहे होंगे, कल मैंने बताया था कि हम ऊटी पहुंच गए हैं। अभी हम आए हैं, ऊटी में थे रात में, तो एक होटल लिया हमने। अच्छा तो होटल, खाना पीना सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो आप जोमेटो से मंगा सकते हैं। लेकिन हाँ, रूम बहुत अच्छा था, एक रीज़नेबल प्राइस था। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे होटल पर, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक किया, कोई ऐसा इरादा नहीं था रुकने का, लेकिन फिर ये लगा कि रुकते हैं। तो दो दिन हम अभी ऊटी में रुकेंगे और यहाँ की होटल्स डिटेल्स चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और आगे का प्लान देखते हैं क्या यहाँ बेस्ट मिलने वाला है, दो दिन में हम देखते हैं। और व्यू तो अच्छा है ही है यहाँ का। और जैसा कि है, यहाँ का नाम है गंगा शिव बालाजी कॉटेज, तो यहाँ हम रुके थे, रीजनेबल प्राइस है, आइए। और ऐसा नहीं है, सर्विस भी अच्छी है इनकी, जो भी चीज़ें चाहिए तो वो अवेलेबल करा के देते हैं। और व्यू चीज़ें पहले ही हमने रूम का कल ले लिया था रात में, और अभी हम इधर का भी दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि आपको एग्जैक्ट आना कहाँ है। एक्चुअली कोई आता है तो उसको समझ में तो आए एग्जैक्ट आने की जगह कहाँ है। और हमने फिर एक दूसरा होटल देखा, होटल फैब, और वहाँ के लिए हम निकले हैं। और वहाँ भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से भी व्यू और चीज़ें जैसे देखने को लग रहा था अच्छी हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो देखते हैं, वहां चलते हैं, क्या मिलने वाला है और किस जगह पे क्या है। और फाइनली हम आ गए, दूसरे होटल आ गए, अभी इधर देखते हैं। ये भी एक होम स्टे है, नॉट होटल, होम स्टे। तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, शायद खाना अवेलेबल ना हो, वो पूछने में पता चलेगा। और फाइनली ये रूम, हम आ गए रूम पर, और ये है हमारा रूम। ये बालकनी है, बाहर का व्यू। वाह, और यहां पर है किंग साइज बेड है, काफी स्पेस है रूम में भी, काफी स्पेस है। और एक टीवी है। और जैसा कि देख रहे होंगे, अभी हम आए हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने, और हमने गूगल पे ही सर्च किया तो कैलाश पर्वत करके एक रेस्टोरेंट दिखाया। खाना खाकर ट्राई तो करते हैं कि क्या फेमस है, तो हम यहाँ पर आए हैं और खाकर देखते हैं क्या मिलने वाला है, कैसा है, क्या चीज़। और स्पेशली ये जैसा कि है कि प्योर वेज, यहाँ नॉन वेज बिल्कुल नहीं है, प्योर वेज, इसलिए हम स्पेशली इस जगह पर आए। और अभी हम आए हैं थंडरवर्ड, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या। बहुत पहले आए थे तो यहाँ डायनासोर वगैरह देखा था, हॉन्टेड हाउस है, लेकिन अभी देखते हैं क्या नया इतनी, क्योंकि हम जब आए तो हो गए मुझे 7-8 साल हो गए, तो 7-8 साल में क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। और हम जा रहे हैं थंडरबोल्ट, देखते हैं क्या मिलने वाला है अंदर।
जैसा कि यहाँ पर हम आए हैं थंडर वर्ल्ड देखने, और यहाँ बहुत अलग अलग सी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड आई देखने आए हैं जिसके अंदर बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत ही सारे। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा भी है, सबसे बड़ा कैमरा, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के आपको कैमरे देखने को मिलेंगे, डिजिटल से देख के नॉन डिजिटल तक। और कैमरे की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी।
और हमने बहुत सारी चीज़ें आज बहुत कुछ नया देखा, नया एक्सपीरियंस लिया और इसी के साथ अब हम जा रहे हैं अपने रूम पर और आगे की बहुत सारी जानकारियां आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे और बाय बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे।